नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सब देख रहे हो जी आर चैनल अबाउट एवरीथिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लेमन पेपर। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है और ये ज़्यादातर मतलब ड्रिंक्स के साथ, यहाँ पर ड्रिंक्स लिए जाते हैं तो ड्रिंक्स के साथ ये बहुत अच्छा बनता है। वैसे आप इसको खाने के साथ वगैरह किसके साथ भी एज अ साइड डिश आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर हमने लिया हुआ है आधा किलो चिकन। ये हम आधा किलो चिकन का चिकन लेमन पेपर बनाएंगे। इसमें हड्डी समेत मांस भी ले सकते हैं हम, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि केवल मांस ही लिया जाए। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कि इसके मैरिनेड में हमें क्या क्या पीस के डालना है। इसके लिए हमने लिए हुए हैं, यहाँ पे आधा किलो चिकन के लिए हमने ली हुई है 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा बड़ी सौंफ, थोड़ी सी बड़ी सौंफ, और इसमें करीब एक आधी मुट्ठी हमने काली मिर्च ली हुई है और करीब 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हुई हैं और थोड़ा सा दही लिया हुआ है, करीब 2 से 3 टेबलस्पून दही लिया हुआ है और इसको हम पीसेंगे। देखिए, हमारा पिसा हुआ मसाला हमने इसमें डाला हुआ है। इसको जितना कम हो सके उतना पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालें इसमें, दही भी आप मिला रहे हो इसीलिए। और अब इसमें जाएगा एक आधे नींबू का रस हम पहले डाल रहे हैं चिकन में। देखिए, डाल रहे हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी, देखिए ये करीब आधा टीस्पून हल्दी है। अब इसको डाल के हम मिला रहे हैं। और अब इसमें जाएगा पिसा हुआ मसाला। अब काली मिर्च का ध्यान रखिए, आपको अगर अधिक तेज चाहिए तो ज़्यादा या कम आप काली मिर्च डाल सकते हो, यह आपकी चॉइस है। इसको हम बहुत अच्छा मैरिनेट करके, इसको कितना रखना है शेफ? 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा रखेंगे इसको, 1 से 1.5 घंटा आप रख सकते हो और उसके बाद हम देखते हैं। आप इसको चाहिए तो फ्रिज में रखो, चाहिए तो जल्दी अगर यूज़ करना है तो बाहर रखिए, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा देर में यूज़ करना है आपको तो फ्रिज में रख सकते हो। चूल्हे पर तांबे का फ्राइंग पैन चढ़ा हुआ है और इसमें हम डाल रहे हैं नारियल का तेल, करीब 1 से 2 टीस्पून। और इसमें अब जाएंगे हमारे यमी यमी चिकन लेमन पेपर के पीसेस। इसको हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसको तवा फ्राई कर रहे हैं। देखिए, मीडियम तेल अच्छे से गर्म हुआ है, हमने इसको मध्यम आंच पर रखा हुआ है, या आप आंच को लो भी कर सकते हो। लो करेंगे लो बढ़िया होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर धीमी धीमी आंच पर पकाया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। देखिए कितनी शानदार प्लेटिंग की हुई है हमने, चिकन लेमन पेपर तवा फ्राई हमारा तैयार है, इसका आनंद उठाइए और ये बहुत ही लजीज बनता है।